देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज, खबरें आपसे आप तक। प्रसाद मंडल स्वर्गीय कमलेश्वर प्रसाद मंडल स्वर्गीय
राजा साहब एवं शहीद चुलाए यादव इत्यादि जैसे महान देशभक्त महापुरुषों की जन्मभूमि एवं कर्मभूमि रहा है। ये जिला के गौरव है, इन्हें हम सभी नमन करते हैं। विजयपुरा जिला भौगोलिक रूप से बाढ़ प्रभावित जिलों में से एक है। शिक्षा का अभाव न सिर्फ एक बड़ी समस्या है बल्कि अनेक समस्याओं की जड़ है। इसके साथ बेरोजगारी एवं गरीबी ने मिलकर मानव संसाधन विकास को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। राज्य सरकार के द्वारा लगातार चुनौतियों से जूझने और बेहतर भविष्य के निर्माण हेतु प्रयास जारी है। इस संदर्भ में जिले की कुछ उपलब्धियाँ रेखांकित करने योग्य हैं, जो यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों पदाधिकारियों एवं कर्मियों के सहयोग से वर्तमान वित्त के समय हासिल की गई है। हमारी स्वाधीनता के लिए एक अत्यंत महत्व एवं हर्ष का दिन है। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर नेहरू जी की अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रस्ताव कांग्रेस अधिवेशन में पास हुआ। इसलिए इस ऐतिहासिक निर्णय की याद को ताज़ा करने के उद्देश्य से गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन हम भारत के लोगों ने आदर्श तथा साहस का शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी नागरिकों को न्याय स्वतंत्रता तथा समानता प्रदान करने के लिए स्वयं को एक संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य सौंपा। दुनिया के तमाम के तहत कुल 2,67,661 घरों को विद्युत संपर्कता प्रदान की गई। हर घर जल का जल ग्रामीण अंतर्गत 23,551 घरों में कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। हर घर जल का जल शहरी क्षेत्र अंतर्गत 10,863 घरों में कनेक्शन दिए गए हैं। घर तक पक्की गली नलियां ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत 1,964 वार्डों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शहरी क्षेत्र अंतर्गत 3,200 घरों का कार्य पूर्ण कराया गया है। शौचालय निर्माण घर का सम्मान ग्रामीण योजना अंतर्गत 170 पंचायतें ओडीएफ घोषित की गई हैं। वहीं शहरी योजना अंतर्गत 41 वार्ड ओडीएफ घोषित किए गए हैं। कृषि यांत्रिकरण योजना अंतर्गत आप देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज़, खबरें आपसे आप तक।